हेलो गाइड्स, मैं जी मेरे चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी मैं आज थोड़ा मूड ऑफ था, थोड़ा घूम रहा था, यूँ ही घूमते घूमते मैं इस रास्ते से आया। इस रास्ते इससे आने के बाद मेरे को इधर एक क्यूज दिखा, तो बहुत अच्छा क्यूज है गाइड्स। तो अभी हम उधर जाएंगे, वो क्यूज मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे साथ आप हो ना, तो चलो। तो ये देख सकते हो गोवा गवर्नमेंट ने कितना इधर अच्छा मतलब बनाया है, ये रास्ते का काम चल रहा है और काम हुआ भी है बहुत जगह। तो चलो आगे जाकर देखते हैं। इधर बहुत मतलब क्लीनिंग, बहुत स्वच्छता है और इधर एक बोर्ड लिखा है शैल गृह अवलम, और इधर कुछ तो लिखा है, और इधर लिखा है कि इस क्यूज के मतलब आसपास 100 मीटर तक कोई भी इमारत बना नहीं सकते और इसे कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। तो चलो गाइज हम इधर से जाएंगे क्योंकि अभी हम जवान हैं। तो इधर कुछ तो लिखा है देखते हैं, यहाँ हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, इधर हिंदी में लिखा है, इधर इंग्लिश में लिखा है, इधर अरावलियम गुफा लिखा है और इधर अरावलियम क्यूज इन इंग्लिश। आई थिंक इसे भी अरावलियम गुफाएँ बोला जाता है। हम पहले हम वो सब गुफाएँ देख कर आएंगे, बाद में पढ़ेंगे। चलो, गुफा की रक्षा करने के लिए या इसके मतलब ये जो है वैसा प्रॉपर मेंटेन करने के लिए इधर बाहर दरवाजे बनाए हैं। ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऐसे मतलब बनाए हैं, इधर लॉक लगाए हर जगह, हम बाहर से देखेंगे। तो चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो इधर मतलब चौकारा है, उधर कुछ तो सामान रखने के लिए होगा और इधर कुछ उनका इसका कुछ तो यूज करया करते होंगे। सेम ऐसी गुफाएं हमने मतलब मेरे वीडियो में देख सकते हो मध्य प्रदेश में देखा था अरवली में, बाद में हमने यहाँ रायगढ़ में गए थे, उधर भी ऐसे क्यूज है। ये छोटा क्यूज है बहुत, पर बहुत खूबसूरत है। चलो हम दूसरे क्यूज देखेंगे। यो बड़ा दरवाजा है, यहाँ से हम अंदर देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो चलो यहाँ से मेरे को दूर से शिवलिंग दिख रहा है, देख सकते हो शिवलिंग है और उधर बोर्ड पे लिखा है कुछ तो शिवलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हो शिवलिंग थोड़ा सा मेरे को मतलब टूटा हुआ दिख रहा है, यहाँ थोड़े फर्स्ट विंडो है, ये देखो विंडो, बाद में दरवाजा, ये ऐसा छोटा। और बहुत से जो इधर टूरिस्ट आए वो बोलते हैं घर पांडवों का है। तो गाइस इधर 5 गुफाएं मे बी पांडवों का हो सकता है या होगा, पर उधर जो बोर्ड पे लिखा है वो मैं पढ़ूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलो यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं, तो चलो हम भी घूमेंगे थोड़ा। लेट्स गो। तो गाइस इसे अरावलियम गुफाएं बोला जाता है और इधर ये बोर्ड है, इधर ये अंग्रेजी में लिखा है और ये हिंदी में लिखा है। इसे अरावलियम गुफाएं लैटराइट पर्वत में उकरी गई अरावलियम गुफाओं में 2 महत्वपूर्ण गुफाएं के साथ एक अवासीय कक्ष है। पहले चरण के खनन में 13 प्रार्थना कक्ष शामिल है। उत्तर पश्चिम दिशा में 13 प्रार्थना कक्ष की प्रथम गुफाएं एक चौकार कक्ष है जिसमें मध्य भाग में पीठ लेग है जो 6वीं शताब्दी के अंत के ब्राह्मी अक्षरों से मेल खाता है। तो गाइस इधर अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा हुआ मैंने पढ़ा है, तो देख सकते हो यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं फोटो कैसे निकालते हैं, और इधर बहुत अच्छा फोटो आता होगा यहाँ से लोग ऊपर जाते। तो चलो गाइस अभी हम चलो रास्ता थोड़ा संभाल के चले, बारिश में तो बिल्कुल ही संभाल के चले, फिर फिसलने की बहुत चांसेस है। चलो हम यहाँ से ऊपर जाकर देखते हैं।
थोड़ा जंगल है यार, नॉर्मल। देखो आगे क्या है, मैं भी यार। अरे यार, ये एक तालाब है। तो गाइज, मैं पहले बिचली में आया। बिचली में बहुत ही बड़ा सिटी है, उसे बिचली बोला जाता है मराठी और कोंकणी में। और इधर आया, इधर आने के बाद मैं साकड़ी में गया। साकड़ी से मैं यूं ही ऐसा घूम आ रहा था, तो आते समय बीच में मेरे को एक गुफा दिखी। आप देख, गुफा के ऊपर आने के बाद ये झाड़ी दिख रही है, तालाब होगा शायद। मेरे को तो दूर से तालाब दिख रहा है, नजदीक जाने के बाद देखता हूँ क्या है। मे भी तालाब ही या नदी कुछ तो होगा। चलो मैं दूर से खींचने की कोशिश करता हूँ, वरना यहाँ से नजदीक जाने की वजह, आपको नजदीक से दिखाने की वजह से मैं गिर जाऊंगा। क्या होता होगा इधर, बारिश के दिन पानी यहाँ मतलब स्टोर होता होगा। मैं भी आगे क्या है मेरे को मालूम नहीं, मैं भी आगे ओपन स्पेस होगा शायद, उसके वजह से इधर से पानी निकल के जाता होगा। आप देख सकते हो उस जगह पे बहुत से घर है, हाउस। उधर एक टेम्पल है, उसके बाद एक घर। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताने के लिए मेरे वीडियो को कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो। इतना फैलाओ कि मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तब तक बाय बाय, लव यू, बाय।